आदाब। ईद हो दिवाली हो, मेरे शहर में मातम ही रहेगा, मैंने तय कर लिया है। ऐसा ही कुछ कश्मीर को देखकर लगता है। आज ईद उल फित्र का दिन है और स्ट्रेट लाइन पर ऑलरेडी आप लोगों को हम ईद की मुबारकबाद दे चुके हैं, लेकिन मैंने आज ये तय किया था कि शाम को आपसे बात करूंगा, और तभी बात करूंगा जब पूरा दिन अमन के साथ और पूरे दिन में कोई बुरी खबर नहीं आएगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इससे पहले कि ईद की सुबह होती, सूरज की पहली किरण निकलती, लोग ईदगाह की तरफ जाते, एक खबर पुलवामा से आई कि आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने एक घर में घुसकर एक औरत की हत्या कर दी। इससे पहले उसके खाविंद की हत्या की थी और अब इसकी हत्या कर दी। निहत्ती बेगुनाह औरत की हत्या कर दी गई। चलिए, ये तो कश्मीर का मामूल है, लेकिन उसके बाद तवक्का ये थी कि शायद आज कश्मीर के रहनुमा, रहबर और वो लीडर जो जिन्हें जब दिल्ली बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, तो वो 3 दिन लगाते हैं सोचने में, और वो मस्जिदों के बड़े बड़े इमाम, मौलवी, वो तमाम खतीब, वो तमाम दानिश्वर, अकलमंद लोग वादी कश्मीर के, शायद वो आज नौजवानों को ये कहेंगे कि आज ईद उल फित्र का दिन है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईद के दिन मायूस मत रहना, ईद के दिन तुम्हारे चेहरे पर दुख ना हो, परेशानी ना हो, खुश रहना, ये मेरी सुन्नत है। लेकिन आज भी वही सब कुछ हुआ जो पिछले कुछ दिनों में घाटी में देखने को मिला। आज भी पत्थरबाज सड़कों पर थे, आज भी हुल्लड़बाजी हुई, आज भी तमाशा हुआ, आज भी सड़कों पर गुंडागर्दी हुई। यही सब कुछ इससे पहले भी होता रहा है। जुमा का दिन हो, आमतौर पर तो यह है कि जुमा का वो दिन होता है जिस दिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए इंसान मस्जिद में जल्दी से जल्दी जाए, लेकिन वादी कश्मीर में जुमा के बाद क्या कुछ होता है वो इस और इशारा करता है कि कंप्लीट क्योस, डिसऑर्डर और डिसेरे सिस्टम में आ चुका है। भीड़ बेकाबू है और कश्मीर घाटी से और पूरे जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोगों को मैं फेसबुक के ऊपर चिल्लाते हुए देखता हूँ, झिल्लाते हुए देखता हूँ, पोस्ट शेयर करके ये बात करते हुए देखता हूँ कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखते हुए देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब हालात बहुत मुसलमानों के लिए ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैं किसी को आप में से कोई पोस्ट शेयर करते हुए नहीं देखता, आपको ये लिखते हुए नहीं देखता कि कश्मीर में भी जब भीड़ बाहर निकलती है उसके हाथ में पत्थर होता है और उसका निशाना फौज होती है, उसका निशाना पुलिस वाला होता है, उसका निशाना कश्मीर का आम आदमी होता है। मुझे समझ नहीं आता कि जामिया मस्जिद नौहट्टा के बाहर एक पुलिस वाले की हत्या हुई, लिंच कर किया उसको, मॉब थी वो भी, और ये भी मॉब ही है जो सड़कों पर है, जो पत्थरबाजी कर रही है, ईद के दिन लोगों की ईद खराब कर रही है, ये मॉब ही है। हम इस मॉब लिंचिंग के बारे में क्यों नहीं लिखते? हम क्यों चुप हैं, खामोश हैं? हम इस लिंचिंग के बारे में क्यों नहीं लिखते कि रात को एक निहत्ती औरत के घर में दहशतगर्द घुसते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं? इससे पहले उसकी पति की हत्या की, अब उसकी हत्या कर दी, यानी ये घर बिल्कुल खाली, बिल्कुल साफ कर दिया गया। क्यों नहीं लिखते हम इसके बारे में? क्या ये लिंचिंग के जुमरे में नहीं आता? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? और जरा सोचिए, अगर फौज ना हो, जरा फौज को बीच से निकाल दीजिए, जरा CRPF को कश्मीर से हटा दीजिए, आर्मी को कश्मीर से हटा दीजिए, क्या लगता आपको सड़कों के ऊपर क्या होगा? आप जम्मू कश्मीर पुलिस को किनारे पर कीजिए, आप SOG को कहिए घर में बैठ जाइए, क्या आपको लगता है कि आपको चैन सुकून के साथ लोग सड़कों पर चलने देंगे? जो मजहबी नफरतें कश्मीर में इस वक्त घर कर रही हैं, दिन दूर नहीं जब घाटी में लड़ाई फिरकों की होगी, दूसरी कोई लड़ाई वहां रहेगी नहीं। आज आपका निशाना मासूम लोग हैं, आज आपका निशाना पुलवामा के पास एक फौजी ट्रक है, जिस फौजी ट्रक में आराम से फौजी लेटे हुए हैं, सुकून के साथ बैठे हुए हैं, और आप अचानक
उसके ऊपर हमला करते हैं, 44 जवानों को शहीद करते हैं, आज आपका निशाना वो ट्रक है। लेकिन कश्मीर की वो, कश्मीर के वो लोग जो आज दहशतगर्दों की, इनके हिमायतियों की, इनके लीडरों की, इनके आकाओं की पीठ थपथपाते हैं, जहन में पाकिस्तान को रखिए और आप ये देखिए कि जिस मुल्क ने इनको पैदा किया, जिस मुल्क ने इनको परवान चढ़ाया, जिस मुल्क ने इनको रोटी दी, कपड़ा दिया, मकान दिया, इन लोगों ने अपनी बंदूक के उसी मुल्क के ऊपर तान दी। और आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि उसका जर मुबादला खत्म हो चुका है। आज भीख मांगने पर मजबूर है पाकिस्तान, और अगर अभी IMF की भीख नहीं मिली होती तो शायद मुल्क कुड़की हो जाता। और आप इन्हीं दहशतगर्दों के मददगारों की हिमायत करते हैं, उनकी हिमायत में लंबे लंबे लेख लिखते हैं, और मैं बड़ा हैरत ज़दा हूँ उन तमाम पत्रकारों पर जो इन्हें अननोन गनमैन लिखते हैं, उन अखबारों पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने इस वक्त गुहार लगा रहे हैं कि हमारे एडवर्टीजमेंट्स बंद कर दी गई हैं, हमारी एडवर्टीजमेंट्स रिस्टोर कर दीजिए। अल्फाज जब आप अननोन गनमैन लिखते हैं तो क्या कहने की कोशिश आप कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम कि ये लोग कौन हैं? आपको नहीं मालूम कि ये दहशत गर्द हैं, ये इनकी बंदूक है जो मासूम लोगों की जान ले रही है? क्या आपको नहीं मालूम अननोन गन में लिखने की जरूरत क्या है? यानी आप कुछ भी करें चलेगा, और आप ही के अखबारों में वो लेख लिखे जाते हैं जिन लेखों में आप तारीफ करते हैं, आप पूरा वर्णन करते हैं कि किस तरीके से एक मासूम इंसान, पुलिस ने उसको तंग किया, आर्मी ने उसको तंग किया, और उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद उसने बंदूक उठा ली। आप आज कहाँ हैं? आप क्यों नहीं लिखते इस औरत की कहानी? आप क्यों नहीं लिखते उन तमाम लोगों की कहानी? आप क्यों नहीं लिखते जो लोग आतंकवादियों की बंदूक का निशाना बने? क्यों नहीं लिखते? वो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, वो सिस्टम की मदद करते हैं, इसलिए आपके खाते में वो नहीं आते। आपके खाते में वो अमीर ताकतवर लोग आते हैं जिनकी जब मौत होती है, और मैं ताकतवरों में उनको भी शामिल करता हूं जिनके हाथ में बंदूक है, वो गुंडे हैं लेकिन ताकतवर तो है ना। अगर ये मामला है, अगर ये मामलात हैं, तो फिर यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जिन सवालों के जवाब ढूंढने बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन तो ये भी है कि ईद उल फित्र का दिन था, और ईद उल फित्र के दिन तो कम से कम कश्मीर की सड़कों पर यह तमाशा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज भी वही तमाशा हुआ जो तमाशा सालों से कश्मीर घाटी में होता आया है। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कहां हैं आप लोग? सोए हुए हैं? ऑर्डर रिस्टोर कौन करेगा? और ये मेरी समझ में नहीं आता, और किसी भी बुद्धिजीवी की समझ में नहीं आएगा कि एक आतंकवादी के मरने के बाद जो बड़े बड़े लंबे चौड़े जनाजे होते हैं उसकी इजाजत कौन देता है? क्या आप नाकाम हो चुके हैं? क्या आप ऑर्डर रिस्टोर करने में नाकाम हो चुके हैं, या आपको लग रहा है कि ये एक नया ऑर्डर है कश्मीर में, या आपको लग रहा है कि इसी ऑर्डर से कश्मीर के मसले का हल निकलेगा, या आप किसी सियासी जमात की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ये सब इन तमाम चीजों की इजाजत देकर? आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा, जिस चीज की आप मदद कर रहे हैं उस चीज के नताइज बड़े खतरनाक निकलेंगे। बहुत बार बड़े बड़े अकलमंद लोगों ने भी कहा कि इन बड़े बड़े जनाजों को होने मत दीजिए क्योंकि ये आपके लिए परेशानी की वजह बनेंगे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलती हैं, उनके कत्ल हो रहे हैं, लेकिन आपके सर पर जू भी नहीं रेंगती। ये सब कुछ घाटी में हो रहा है। ईद उल फित्र के दिन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज भी यही सब कुछ हो रहा है। मेरा सवाल आप लोगों से एक और है, जहां मजहब की बड़ी बड़ी आप लोग दलीलें देते हैं, आप कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोट करने से पहले आयत नंबर और तमाम चीजें नहीं बताते, तो क्या आज आप इन नौजवानों को यह नहीं समझा सकते कि पत्थर तारीख इस्लाम में सबसे पहले किन्होंने उठाए और किसके ऊपर उठाए? बताइए, पत्थर मारने का काम किस कौम का था और वो कौम किसके ऊपर पत्थर मारती थी? बताइए इनको। अब कोई भी तमाशा करें, उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई करें, वो आपका काम है, आप कर सकते हैं, लेकिन सीधी और सटीक बात करना स्ट्रेट लाइन का काम है। और सीधी और सटीक बात यह है कि आप अपनी
غلط سے غلط حرکت کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اس کو اوڑھتے ہیں. آپ کشمیر میں بربادی لا رہے ہیں, تباہی اور بربادی لا رہے ہیں, اور جو تباہی اور بربادی کشمیر میں آپ لا رہے ہیں, اس تباہی اور بربادی کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پاکستان میں نکلا جب پاکستان نے سالوں سال دہشت گردوں کی مدد کی, اور ایک وقت وہ آیا جب انہوں نے اپنی بندوق کے دہانے پاکستان کی طرف موڑ دیے. آپ کو یاد نہیں یا آپ کے ذہنوں میں وہ پکچر نہیں ہے, 2011 میں ایک فوجی اسکول کے اوپر حملہ کیا گیا, معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ کس نے بنایا, وہ بھی دہشت گردی تھے. اس لیے خدا را آج تو آپ نے بہت سارے لوگوں کی عید خراب کی ہے, خدا را ہوش کے ناخون لیجیے. انٹلیکچوئل کلاس ہے آپ, سیاسی آدمی ہیں, سماجی آدمی ہیں, آپ جس بھی ورگ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو مشکلوں کا سامنا کر کے سچ بولنا ہوگا. آپ کو اب باہر نکل کر یہ کہنا ہوگا کہ یہ دہشت گردی ہے اور اس کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نقصان آپ ہی کا ہے.